आज हम परबल आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करेंगे बहुत ज़्यादा हैवी वाली ग्रेवी नहीं बनाएंगे लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने आधा किलो पटल लिया है सॉफ्ट बीज वाले परबल नहीं होते उसे मैंने लिया है और इसका साइड का एजेस काट के मैंने चार टुकड़े या छः टुकड़े में काट लेंगे बीज वाले परवल जो होते हैं उसका बीज जो मुंह में आते हैं अच्छे नहीं लगते हैं ये सॉफ्ट वाले परवल का ही आप सब्जी बनाइए तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे तो देखिए परवल को मैंने चार टुकड़ों या छः टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है आप भी इस तरह से आपके पसंद के हिसाब से काट लीजिए तो देखिए सारा पटल को मैंने काट लिया है तो चलिए एक पैन को गर्म करते हैं उसमें डालेंगे तीन चम्मच ऑयल ऑयल में ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा थोड़ा सा मेथी एक दो तेजपत्ता एक सूखे मिर्च इसको एक मिनट चला लेंगे उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ परवल तो परवल को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और उसको दो तीन मिनट के लिए ढक देंगे दो तीन मिनट हो गई है देखिए परवल थोड़ा सा कलर एक साइड पे आया है इसको अच्छे से चला लेंगे मिक्स हो गई है तो इसको फिर से हम दो तीन मिनट के लिए ढक देंगे इसी तरह से दो तीन मिनट बाद फिर से हम चेक करेंगे देखिए परवल थोड़ा सा भून गई है तो इसी तरह से हम दो तीन मिनट बाद ढक के और चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे परवल को अच्छे से फ़्राई करने से परवल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो देखिए परवल अच्छे से भून गई है और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक नमक को ऐड करके इसको फिर से हम दो तीन मिनट के लिए ढक देंगे और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे तो देखिए दो तीन मिनट हो गई है परवल अच्छे से भून भी गई है और सॉफ्ट हो गई है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए सारा परवल को मैंने निकाल लिया है अब उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे दो चम्मच ऑयल और डालेंगे दो तीन हरी मिर्च उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ आलू को कट करके मैंने डाला है बॉयल किया हुआ आलू ऐड करने से ज्यादा अच्छे से ग्रेवी बनेगी इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक हल्दी पाउडर एक चम्मच एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच गोलकी पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर थोड़ा लाल मिर्च थोड़ा काश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे नमक को हम यहाँ पे आलू के हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि परवल में मैंने पहले ही नमक थोड़ा डाल चुकी हूँ इसको तीन से चार मिनट मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में तो देखिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसमें आप प्याज डालना चाहते हैं तो फौरन डालने के बाद एक छोटा प्याज आप ऐड कर सकते हैं लेकिन आज मैंने बिना प्याज वाला ही सब्जी बनाऊंगी बॉईल किया हुआ आलू ऐड करके आप परवल का सब्जी बनाएंगे तो ग्रेवी भी बहुत अच्छे बन जाते हैं और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से तो अब मैंने ऐड कर दिया है फ्राई किया हुआ परवल को और देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से चला ते हुए कर लिया है तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गई है तो इसको हम तीन से चार मिनट के लिए ढक देंगे देखिए तीन चार मिनट हो गई है तो इसको हम फिर से एक बार चला लेंगे तो देखिए परवल और आलू अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गई है तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी आप अपने हिसाब से ग्रेवी जिस हिसाब से रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे उसके बाद इसको अच्छे से चला लेंगे तो देखिए इसको मैंने चला लिया है देखिए कितने अच्छे कलर दिख रहे हैं ना इसको हम चलाने के बाद इसको तीन से चार मिनट के लिए हम इसको हम ढक देंगे और मीडियम लो फ्लेम में ही इसको पका लेंगे तो देखिए तीन चार मिनट हो गई है और देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं और बिना प्याज का भी कितने अच्छे ग्रेवी बनी है तो इसमें हम ऊपर से एक चम्मच घी डालेंगे इससे परवल आलू की सब्जी की टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं तो देखिए टेस्टी टेस्टी परवल आलू की सब्जी तैयार है इसे आप रोटी चावल पराठा कोई भी चीज़ के साथ आप अपने पसंद के हिसाब से खा सकते हैं परवल आलू की सब्जी को मैंने सर्व कर दिया है आज मैं इसे रोटी के साथ खाऊंगी अगर आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग।